चुनाव का बुगुल और चुनावी मौसम में राज्यसभा चुनाव के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधानसभा में नामांकन किया। इनके साथ ही बीजेपी के बाकी सभी उम्मीदवार आज अपना नॉमिनेशन करेंगे। बीजेपी ने रविवार रात अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। आपको बता दें कि 16 राज्यों की 58 राज्यसभा सीटों के लिए 23 मार्च को वोटिंग होगी। इसी दिन वोटों की गिनती होगी, जबकि 12 मार्च नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 8 सीटें। जेटली के नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री उपस्थित थे। भाजपा राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल जैन ने इस अवसर पर नॉमिनेशन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए जो संभव होगा वह किया जाएगा। मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों का और नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश मेरी जन्म और लखनऊ मेरी कर्मभूमि है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी विकास कार्यों में और उत्तर प्रदेश को एक नंबर राज्य बने इसके लिए प्रयास करूंगा। केंद्र और राज्य में जो सरकार चल रही है या डबल इंजन के रूप में प्रदेश को बहुत ऊपर ले जाने का काम किया। आपको इन सब बातों के बीच में एक विषय पर फोकस कराते हैं हम कि बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की तरफ वोटरों को रुझाने का बहुत बड़ा खेल खेला है। सीनियर कहीं ना कहीं अगर हम सीनियरिटी की बात करें और वरिष्ठों से अगर बातचीत करें तो निकल कर ये आता है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आती है कि बीजेपी भले ही 2017 विधानसभा चुनाव में पश्चिम की 77 सीटें जीती हो, लेकिन यह तथ्य है कि बीजेपी का पश्चिमी हमेशा ही कमजोर रहा है। यही वजह है कि राज्यसभा में बीजेपी ने 4 नेताओं को पश्चिम से भेजा है। उन्होंने साथ साथ आपको बताते हैं कि बीजेपी ने अरुण जेटली और JVL नरसिंहा राव को राज्यसभा भेजकर जहां केंद्रीय नेतृत्व यह मैसेज देना चाहता है कि राष्ट्रीय राजनीति में यूपी उनके एजेंडे में, वही बीजेपी से सरोकार रखने वाले एक ठाकुर, एक पिछड़ी जाति, एक अति पिछड़ी जाति, एक दलित जाति, एक वैश्य और एक ब्राह्मण को राज्यसभा भेजा जा रहा है। इनके जरिए बीजेपी जहां पश्चिम को 2019 लोकसभा चुनावों के लिए मजबूत कर रही है, वही क्षेत्रीय बड़गुड़ों नेताओं का कद कम करने की कोशिश भी कर रही है। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में बीजेपी ने 2007 विधानसभा चुनाव में 17, 2012 में 18, 2017 में 77 सीटें जीती, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित, 20% मुस्लिम, जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में बीजेपी खुद को 2019 के मद्देनजर बीजेपी खुद को पश्चिम में स्थापित करना चाह रही है। बाकी जातियों में 17% जाट, 13% यादव ब्राह्मण और ठाकुर वोट करीब 28% उपस्थित है। संघ भी लगभग पश्चिमी क्षेत्र में ही फोकस कर रहा है। बीते दिनों RSS ने भी पश्चिमी यूपी में अपना दमखम दिखाते हुए एक बड़ा समागम का आयोजन किया था, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत की थी। संघ ने पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में 158 नगर पंचायतों में कार्यकर्ताओं को बुलाया था। इनमें डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, समाज के हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। आपको एक लय में सूचीबद्ध तरीके से बताते हैं कि कौन कौन है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार। अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं, डॉक्टर अशोक वाजपेयी, विजयपाल सिंह तोमर, सकलदीप राजभर, कांता करतम, डॉक्टर अनिल जैन, JVL नरसिंह राव, अर्धनाथ सिंह यादव। इस पूरी रिपोर्ट में खैर इतना ही, आगे भी हम आपको देते रहेंगे खबरें। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड